मांगा उन्होंने कि प्रभु गुरुदेव जी मैं जानता हूँ इस संसार में जो जन्म लेता है वो तो मरता जरूर है और मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब अन्याय या अधर्म करूंगा तब मेरी मृत्यु भी हो, लेकिन ऐसे आदमी के हाथ में मृत्यु हो जो धर्मबद्ध हो और जो इस संसार में श्रेष्ठ हो, उसके हाथ में मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दो। कोई मृत्यु नहीं मांगता, योग्य गुरु का शिष्य ही मृत्यु मांगता है और सत्य मृत्यु मांगता है। और उन्होंने ये तीसरा वर मांगा और दत्तात्रेय भगवान ने उनको वो वर दिया। उसके बाद उन्होंने आज के दिन भगवान दत्तात्रेय ने उन पादुकाओं अपने पादुकाओं को देते हुए कहा कि आज मुझे मैं तुझे पादुका सिद्ध करके देता हूँ। जिस घर में ये पादुकाएं होते हैं वहाँ न भूत प्रेत पिशाच न तंत्र बाधा कुछ भी नहीं होती, केवल इस पादुकाओं पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में सफ़ेद फूल बिलोपत्र या तुलसी चढ़ाकर मैं जो मंत्र बोलता हूँ उसको 11 बार बोलकर नमस्कार करके जाए तेरी सारी पूजाएं स्वीकार कर ली जाएगी। लेकिन आज के दिन पादुकाएं सिद्ध हो और तुम्हारे घर में स्थापन हो, उस घर में सारे देवताएं आकर जाएंगे। अगर आज आप महाराष्ट्र में यार कहीं भी देखते हैं तो जितने भी दत्तपंथी लोग हैं वहाँ दत्तात्रेय भगवान के शरीर की पूजा नहीं होती, केवल पादुकाओं की पूजा होती है। और वो पादुकाएं आप सभी ने देखी है, जहाँ भी आप शायद नरसोभावाड़ी जाओ, गाणगापुर जाओ, कहीं भी जाओ, दत्त के पादुकाओं की पूजा होती है। और प्रथम गुरु थे जिन्होंने पादुकाएं प्रदान की थी। उसके बाद परंपराएं चली। हमारे पास आपने बहुत सारी पौराणिक कथाएँ सुनी होगी, उसमें एक कहानी आती है एकलव्य की। एकलव्य एक जंगली जंगल में रहने वाले एक निषाद के पुत्र थे। वो चाहते थे कि भगवान द्रोणाचार्य को भगवान समझते थे, गुरु समझते थे, और वे द्रोणाचार्य की मनपूर्वक प्रार्थना और पूजा करते थे। लेकिन जब वो युद्ध सीखने के लिए, युद्ध विद्या या धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए तो कौरव पांडवों के उस हस्तिनापुर में उनको प्रवेश ही नहीं दिया, उनको आने ही नहीं दिया। वे खिन्न होकर बाहर आ गए। आकर उनने कहा कि प्रभु इस संसार में कहते हैं कि भगवान ने कोई नहीं देखा तो हम उसकी मूर्ति ही बनाकर पूजा करते हैं। और एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की पूजा करने लगे। उस मूर्ति की पूजा इतना निष्ठा के साथ किया उन्होंने कि उस निष्ठा को देखने के बाद कोई भी कहता है कि गुरु पूजन या गुरु के प्रति भक्ति श्रद्धा होने वाला इस प्रकार का हो। और हमने पूर्ण रूप से अपने द्रोणाचार्य गुरु की पूजा की। एक समय की बात है, सारे पांडव और द्रोणाचार्य उसी निषाद जहाँ एकलव्य रहता था वहाँ घूमते हुए जंगल में आते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और वो वहाँ से आए आ रहे थे तो देखा कि एक जंगली सुअर जोर से भागते हुए आ रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा, देख अर्जुन, वो सुअर भागते आ रहा है, उसको तू बाण से मार। अर्जुन ने बाण मारा तो जाकर उसके पीठ में लगा। तो उतने में देखता क्या है कि एक दूसरे दो तीन बाण आए और वो बाण आकर सीधा सीधा सुअर के मुंह में जाकर गिरे। अर्जुन परेशान हो गया, मैं मारा बाण और ये दो तीन बाण और कौन कौन से आए, भागते हुए सुअर को मारने वाला कौन है, ये बाण किसके हैं। उतने में एकलव्य भी भागते हुए आया और इधर अर्जुन भी भागते हुए आए। और एकलव्य ने कहा कि इस सुअर को मैंने मारा है, इस पर मुझे मेरा अधिकार है। अर्जुन को इस बात की परेशानी नहीं थी कि उसने उसके मुख में कैसा क्या बाण मारा, मैं पीठ पर मार सका। उसने द्रोणाचार्य जी की तरफ देखा और कहा कि तुमने ये बाण मुख में कैसा मारा। तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मैं गुरु का पूजन करता हूँ और मैं उस गुरु के पूजन से मैं कहीं भी बाण मार सकता हूँ। देखते क्या है कि दूसरा सुअर भी भाग के आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। मैं पांडव मध्यम अर्जुन हूँ। उन्होंने कहा कि अब आप अर्जुन भी धनुर्विद्या श्रेष्ठ हैं और आप भी कहते हैं, अभी वो जो सुअर आ रहा है आप श्रेष्ठ हैं तो उसके सुअर के मुँह में बाण मार के बताओ जो भागते हुए आ रहा है। अर्जुन ने एक बार दो बार प्रयत्न किया लेकिन वो बाण दूसरी जगह लगा लेकिन, और उसने कहा अब मैं मार के बताता हूँ, और उसने सीधे सीधे उस सुअर के मुंह में बाण मार दिया। वो देखकर अर्जुन परेशान हो गया और कहा कि प्रभु द्रोणाचार्य इस संसार में धनुर्विद्या में आपसे बढ़कर तो गुरु कोई है ही नहीं, फिर इसका गुरु कौन है जो आज इतनी श्रेष्ठता के साथ बाण धनुर्विद्या कर रहा है, इसका गुरु कौन है। द्रोणाचार्य भी आश्चर्य में पड़ गए। उसने कहा एकलव्य जरा जा, तुम्हारे गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा आप अगर मेरे साथ आते हैं तो मैं बताता हूँ मेरे गुरु कौन है।
गए, उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई हुई थी। बोले ये कौन है? तो मेरे द्रोणाचार्य जी हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनकी विग्रह की रोज पूजा करते हुए इनके इस विग्रह के सामने धनुर्विद्या सीखता हूँ। अर्जुन माथा पकड़ लिया, साक्षात शरीरस्थ गुरु को मैं रखकर मैं इतना महान धनुर्विद्या का ये नहीं बन सका कि मूर्ति की पूजा करते हुए मेरे से भी अच्छा धनुर्वेद धनुर्विद्या जानने वाला बन गया। अर्जुन का मुंह लटका हुआ देखकर द्रोणाचार्य को भी लगा कि कल के दिन द्रोणाचार्य समझ में, द्रोणाचार्य बोला कि कहीं ऐसा ना समझ लिया अर्जुन कल के दिन इस एकलव्य को छुपे छुपे कोई विद्या देते थे और मुझे फालतू विद्या सिखा दे के गए, ऐसा अर्जुन समझ लिया तो फिर बड़ी परेशानी हो सकती है। गुरु एक को एक तरह देखते हैं क्या, वो मुंह लटका के बैठ गया। अब द्रोणाचार्य क्या करते कि उनको उसको समझाने के बारे में, मेरे साथ सारे पांडव भी खड़े हुए थे, द्रोणाचार्य को प्रश्न पड़ गया कि मैं अब अर्जुन को समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ। उन्होंने कहा अर्जुन ऐसी बात नहीं है। उसने एकलव्य को बुलाया और कहा कि भाई तू इनकी पूजा कब से करता है? बोला मैं हस्तिनापुर आया था, मैं उनके पास धनुर्विद्या सीखना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे अंदर आने नहीं दिया, तो मैं उनको मन ही मन अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति रखकर मैंने पूजा संपन्न की और उनके सामने मैं इस धनुर्विद्या के बारे में प्रयत्न करने लगा और आज आपके सामने जो देख रहे हैं वो आप उस धनुर्विद्या को देख रहे हैं। फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि द्रोणाचार्य ने फिर कहा कि तुम सच कहते हो कि उन्होंने, उन्होंने कहा मेरे को इसके से झूठ बोलने की क्या बात, मैं इनके सामने ही दिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी और एक बार परीक्षा लेना चाहता हूँ, ले अगर ये परीक्षा सच है तो तुम इस द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने ही तुमने उस धनुर्विद्या को सीखा है, नहीं है तो तुम झूठे हो। कहा मैं मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने कहा है कि हस्तिनापुर के अर्जुन है, इनके गुरु भी तो द्रोण हैं, आप पहले उनकी परीक्षा लीजिए बाद में मेरी परीक्षा, क्योंकि द्रोणाचार्य को देखा ही नहीं था एकलव्य ने, इसलिए द्रोणाचार्य को पहचान ही नहीं रहा था कि द्रोणाचार्य, वो तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रहा था, द्रोणाचार्य के पास उसको आने ही नहीं दिया था, वो तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रहा था, उसने द्रोणाचार्य को पहचान नहीं सका। तो उन्होंने कहा आकाश में वो पक्षी उड़ रहा है, तुम उस पक्षी को तुम्हारे बाण से उड़ते हुए पक्षी को मार सकते हो क्या? बोले पहला चांस अर्जुन को दीजिए बाद में मैं। तो अर्जुन को कहा हे अर्जुन तू बाण उठा, अर्जुन मुंह लटकाए हुए ही था, अर्जुन को बोला मैं तेरा गुरु यहाँ खड़ा हूँ तो पक्षी को मार। तो उसने अर्जुन ने बाण उठाया और पक्षी को मारा, पक्षी को जैसा ही लगा पक्षी नीचे गिर गया। फिर दूसरा पक्षी उड़ रहा था तो एकलव्य ने कहा अब मेरे गुरु को देखो, मेरे गुरु की विशिष्टता देखो, वो पक्षी उड़ रहा है उसके मैं आंख में बाण मारूंगा, शरीर की तो बात दूर करिए मैं आंख में मार मार के बताऊँ। तो आचार्य परेशान हो गए, ये साला मेरे से भी श्रेष्ठ शिष्य निकला, ये आंख में कैसा क्या बाण मारता है? और उसने एकलव्य ने आंख में बाण मार के दिखाया और आंख में बाण लगा था। अर्जुन फिर अब पूरा गुस्सा हो गया, नाराज हो गया कि मेरे को ये विद्या नहीं सिखाए, ऐसे गुरु होते हैं क्या? उसकी बात बाहर चल रही थी। अब द्रोणाचार्य समझाने से रह गए कि ये तो गारंटी हो गया कि ये द्रोणाचार्य का ही शिष्य है, मैं सशरीर द्रोणाचार्य की पूजा करता हूँ, रोज गुरु के पास गुरुकुल में जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, मेरे विषय विद्या नहीं आती। और ये भावनात्मक उस मूर्ति को देखकर विद्या लेता है, विद्या करता है, इसको किस तरह ये विद्या का प्रमाण हुआ? तो उन्होंने कहा क्या तुमने द्रोणाचार्य को देखा है? उन्होंने कहा मैंने देखा, इस मूर्ति में ही उनका नाम लेकर पूजा करता हूँ और उनकी पूजा करते हुए मैंने विद्या सीखी। तब अर्जुन भीम आदि सब कहते हैं वहाँ बैठकर और कोई नहीं, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य यही है। तो करके साष्टांग नमस्कार करता है एकलव्य, प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करो।